हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इसे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्नि अस्त्रों और मैदानी तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध कई मायनों में अप्रत्याशित था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे और 20 से 25 मैदानी तोपें थीं, जबकि लोदी की सेना में 1,30,000 के आसपास सैनिक थे। इसके साथ ही ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत राजाओं ने लोदी की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था, किंतु फिर भी यह सेना सुरक्षित नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सैनिक थे जिन्हें लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। पानीपत के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनना चाहता था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं और दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ था। बाबर और इब्राहिम दोनों की सेना एक दूसरे के सामने बिना युद्ध के 8 दिन तक खड़ी रही। तब अंत में बाबर ने युद्ध आरंभ करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेनाओं को बाएं, मध्य और दाएं तीन भागों में विभाजित किया और इसके साथ ही सेना के दोनों दुरुस्त पार्श्वों पर मंगोलों की एक एक सेना की टुकड़ी रखी, जिसका काम युद्ध जम जाने पर दोनों ओर से भटकर शत्रु की सेना को घेर लेना था। मंगोल व्यूह रचना की यह प्रसिद्ध रीति तुलुगमा कहलाती है और यह विजय का एक प्रसिद्ध साधन मानी जाती थी। इस युद्ध में अफगान चारों तरफ से घिर गए थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जो कि बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, के सिपाहियों के गोलों की बौछार से अफगान अधिक संख्या में मरने लगे। कुछ घंटों तक उनका वध जारी रहा और अफगान सेना में भगदड़ मच गई। अंततः इब्राहिम की पराजय हुई और वह लड़ते हुए मारा गया। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में लोदी वंश के शासन का अंत हुआ। पंजाब तथा दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और साथ ही साथ बाबर के बुरे दिनों का अंत हुआ। पानीपत के युद्ध से बाबर को बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त हुई, जिसे उसने अपनी प्रजा तथा सैनिकों में वितरित कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पूरे काबुल में प्रति व्यक्ति अशर्फियां बांटी थी और इसके बदले उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने शहजादा हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने भेजा। दिल्ली और आगरा में बाबर के हाथ बहुत बड़ी धन संपत्ति लगी और इसी के साथ नींव डली मुगल शासक बाबर और उसके वंशजों की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हम अगले पार्ट में पानीपत का सेकेंड युद्ध लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच।